वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप विनर सेशन एंट्री खेलते हो किसी भी मैच का, तो जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पे जो है आप जुड़ सकते हो और ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप खेल सकते हो। कर रहा है ज्यादा इंडिया कर रहा है। हाँ इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, क्या हम उनका किसी सिचुएशन के अंदर मुकाबला कर सकते हैं? अगर इकोनॉमिकल बात करें कि जीडीपी के लिहाज से बात करें, क्या कर सकते हैं मुकाबला? काम के मुकाबले में हम उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। काम के मुकाबले में जी। अच्छा, कौन से काम में हम उनसे ज़्यादा हैं? जितना भी लगा लें काम, जहन हमारा अच्छा है पाकिस्तान का। अच्छा, वो थकता नहीं है, काम मेहनत से करता है, दिल लगा कर करता है। अच्छा, आप एग्री कर रहे हैं इनसे? हाँ एग्री है, एग्री है, एग्री है। हम अच्छा इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो तरक्की भी हमें ज़्यादा करनी चाहिए, फिर तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? बस हुक्मरानी ऐसे हैं, हुक्मरानी ऐसे है? हमारी पॉपुलेशन कम है, सारी सूरत हाल होंगी तो फिर ही तरक्की होगी ना। अच्छा, खाली सूरत हाल से नहीं हो, हो तो सकता। काम से होगा फिर, काम बता दें। सारे मिलजुल के ही होंगे, सबको इतफाक रखना चाहिए। क्लास कौन सी है? 12th क्लास, सेकंड ईयर, सेकंड ईयर है। जबरदस्त हो गया। सेकंड ईयर में पढ़ने वाले बच्चों का हमारे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? एआई का पता? AI का जी, उसका AI है, कंप्यूटर का नया जो उनका सॉफ्टवेयर हुआ है। ChatGPT का पता? ChatGPT का इतना नहीं पता, थोड़ा कम पता है। थोड़ा पता आपको? पता नहीं मुझे, नहीं आपको पता थोड़ा? हमें गाइस, हमें यहाँ पर हमें IT के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, तो इनको क्या पता होगा? अच्छा मुझे ये बताएं आप कि स्कूल के अंदर कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या बताते हैं? कि ये एक वर्ड प्रोसेसिंग मशीन है जिसको इंसान यूज़र एक खुद कंट्रोल करता है और वो प्रोग्राम फंक्शन करती है और हम उसे काम लेते हैं, वो हमें जल्दी जो सेकंडों का काम होता है, मिनटों का काम होता है, उसको सेकंडों में करती है। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या हो, स्ट्रक्चर क्या पढ़ाया गया, आप इससे अंदाज़ा लगाएगा कि हमारी एजुकेशन कितनी को अपग्रेड की गई हुई है, क्या स्ट्रक्चर है? ये एक CPU पे, CPU इसका ब्रेन है। अच्छा। और ये इसके आउटपुट में कीबोर्ड, मोनीटर और माउस वगैरह यूज़ किए जाते हैं और ये हमें, हम इनसे इनपुट लेते हैं। ओ भाई, कंप्यूटर के शेप चेंज हो चुकी है अब, कंप्यूटर को क्लोज करके आपके हाथ में दिया हुआ है लैपटॉप की सूरत पे, इतना सा कंप्यूटर है, उस पर मोनीटर कहाँ से आ गया? उस पर तो अब LCD आ गई है, अब उसमें कीपैड कहाँ से आ गया? कीपैड भी उसके साथ लगा ही होता है, वो भी टच में आ गया सारा कुछ यार, हर चीज़ चेंज हो चुकी है। CPU कहाँ से आ गया? CPU भी ख़त्म कर दिया गया यार। गाइस आप अंदाज़ा लगाएं, गलती इनकी नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हमें पढ़ाया इतना ओल्ड जा रहा है कि इनको, इनको मैं क्या कहूँ, अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है अगर हमें IT में चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, IT में कौन आ गया, हम या हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? IT यहाँ पढ़ाई नहीं जा रही तो पड़ोसी मुल्क ज़्यादा होंगे, हम पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना। क्या गोल है माला? क्या गोल है आगे, फ्यूचर क्या देख रहे हो, क्या करना आगे? इस टाइम तो हम जो सा कर रहे हैं DA कर रहे हैं मैकेनिकल में, तो आगे इंशाल्लाह हमारा इंजीनियरिंग का। अच्छा जबरदस्त हो गया। एक बच्चा दिखाना चाहूँगा अभी गाइस, आप लोगों ने हमारे बच्चे तो देखे, एक छोटा सा बच्चा इन्हें भी दिखाऊंगा जो कि करोड़, कौन बनेगा करोड़पति का पता है? जी जी, अमिताभ बच्चन जो होस्ट करता। अब यहाँ पर एक बच्चा है, चेक करना इसका IQ लेवल, चेक करो जरा आप। ये अमिताभ बच्चन सवाल बताने से पहले जवाब बता देगा। जहां भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, का नाम बदलकर एक घटना की स्मृति में क्या रखा गया? सुनते जाओ। ऑप्शन बी अगस्त क्रांति मैदान। क्रिस्टोफर हिपकिंस 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री बने? कहीं पर भी, जहां पर भी न्यूजीलैंड होगा ना, उसको नॉक कर दीजिएगा। अरे इतना छोटा सा बच्चा, कितने साल का होगा ये? मे बी 13-12 का होगा। 10-11 6-7 साल का? नहीं नहीं, 10-11 से 5-6 साल का बच्चा। अंदाजा लग रहा है? नहीं। अभी सुनो, एक पक्षी के नाम पर है सर, जाए जहाँ पर भी खुजे लोग उसको लॉक कर दीजिएगा जरा। ये बड़ों बड़ों का क्वेश्चन है जो इजीली बता रहा है, वहाँ पर आपको लगता है इंग्लिश कहाँ पर अच्छी बोली जाती है? एजुकेशन अच्छी है यहाँ पे, ज़्यादातर एजुकेशन को इतना फोकस नहीं किया जाता यहाँ पर, आपको बेसिक पढ़ाएंगे, आपको कोई स्किल्स नहीं सिखाएंगे, आपको बस जहाँ से आप उसको, आपको उठाएंगे एक जगह से, फिर आपको पढ़ाते जाएंगे 10th तक, तो नंबर लेके आने, नंबरों के रेस नंबर बेस में, यहाँ पर कोई स्किल वाला सिस्टम ही नहीं है। हालांकि हमें चाहिए कि हम अगर मैट्रिक के बाद हमें स्किल्स सिखाएं, हमें किसी चीज़ का हुनर होगा तो हम तरक्की करेंगे आगे, ये हमें हुनर सिखाएंगे तो फिर हम आगे जाएंगे, ये हुनर ही नहीं सिखाते हैं। आप क्या कहेंगे,
यही कि हमारे पास हुनर होगा तो हम आगे कुछ कर सकेंगे, हुनर ही नहीं है तो फिर आगे फायदा ही नहीं है कुछ किसी चीज़ का। आप क्या कहेंगे इस बारे में? किस क्या हुआ मतलब कि क्यों नहीं हम डेवलप कर पा रहे? आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में कौन सी चीज़ें अपग्रेड चाहिए? अगर मुकाबले की बात आती है तो एजुकेशन सिस्टम को ठीक किए बगैर क्या किसी भी मुल्क का मुकाबला करना पॉसिबल है? नहीं, एजुकेशन अच्छी हो गई, हमें एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, स्किल होना चाहिए हमारे पास, हमें बस ये पता है नंबर अच्छे होने के होंगे तो जॉब अच्छी मिलेगी। अच्छा। लेकिन ये नहीं पता हुनर होगा हमारे पास जॉब अच्छी होगी। बिल्कुल सही होगा जी, ऐसा जबरदस्त होगा। गाइस आप लोगों ने जानी थी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की राय, क्या करते हो? मैं पढ़ता भी हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर में हूँ। जबरदस्त। क्रिकेट में क्या पसंद करते हो? क्रिकेट में मैं बॉलर हूँ, फास्ट बॉलिंग करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त यार, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपका फ्यूचर ब्राइट करे, मेरी दुआ शायद कबूल भी हो जाए, आपको क्रिकेट पाकिस्तानी टीम में खेलने का मौका भी मिल जाए। क्या कहते हो कि एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो कौन से मुल्क का बेहतर है, हमारा या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे चला गया, वो चांद तक पहुँच गया, हम अभी इधर ही हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतनी तरक्की नहीं है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अगर देख लें बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं, तलीम सिस्टम भी इतनी है, मास्टर आता है कभी नहीं आता, वो स्लो है काफ़ी हमारा सिस्टम। तो उनका सिस्टम हमसे अच्छा क्यों है? वो काफ़ी अच्छा है, उनकी तलीम, उन्होंने अपनी तलीम पे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी है, उनकी तलीम में काफ़ी स्ट्रिक है, और ऊपर से वो नासा में उनकी काफ़ी ज़्यादा साइंसदान है, इस वजह से वो काफ़ी ऊपर है। उनके हमारे स्पेस एजेंसी का नाम क्या पता आपको? नहीं, ये नहीं पता। नहीं, अच्छा उनकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या पता आपको? नहीं, ये भी नहीं पता। उनका इसरो, हमारा स्पार्को है, ये मालूमात होनी बहुत जरूरी है, उनके पांचवी क्लास के बच्चे तक पढ़ाई जाती है ये बातें। जी हमने तो नहीं पढ़ा अभी तक, ये नहीं ना अभी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आपसे। अच्छा, क्या आपको पता है कि उनकी इकोनॉमी क्यों ग्रो कर रही है डे बाय डे? वो हमारी क्यों नहीं कर रही? हमारी कर रही है? नहीं, हमारी नहीं कर रही, उनकी क्यों लैग कर रही है? हमारी बस हुकूमत की वजह से कर रही है, कुछ सियासतदान हमें बहुत तंग कर रहे हैं, उनकी सियासत भी अच्छी जा रही है, उनकी क्रिकेट भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, हमारी क्रिकेट भी थोड़ी कम है, क्रिकेट भी कम है हमारी जी। तो हम तो कहते हैं कि हमारे बाबर आजम दुनिया का नंबर वन प्लेयर है, उसका कंपैरिजन हम करते हैं उसके साथ, विराट कोहली के साथ। विराट कोहली के साथ करते हैं, लेकिन इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हमारे यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे हमारे क्लब में भी इतनी तरक्की नहीं है, इंडिया के क्लब्स, इंडिया की क्रिकेट, इंडिया का IPL बहुत तगड़ा है, हमारी क्रिकेट से कम है वो। अच्छा, आप हमारी ज्योग्राफी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हो? अगर मैं पाकिस्तान की तारीख पूछूं, बांग्लादेश कब अलग हुआ तारीख पूछूं तो आपको पता? पूछें, बांग्लादेश कब अलग हुआ था? 1971 में अलग हुआ था। पाकिस्तान कब बना था? पाकिस्तान 1947। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कब पैदा हुए थे? फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कब पैदा हुए थे? नहीं, ये नहीं याद, अभी नहीं याद। नहीं याद। अच्छा, इसी बरक्स आपको ना एक छोटे से बच्चे की वीडियो दिखाना चाहूँगा, वो पाँच छः साल का बच्चा होगा। ये आपने गेस करना कि कौन सा शो है, कहां पर हो रहा है ये? आइडेंटिफाई दिस फ्रीडम फाइटर, लेट मी सी द पिक्चर प्लीज। ये इंडिया का शो है। कौन बनेगा करोड़पति? वीडियो देखो कितनी वायरल है। ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन बताने से पहले ही आंसर बता देता बच्चा, अभी चेक करो बच्चे का IQ। जहां भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था का नाम बदलकर एक घटना की स्मृति में क्या रखा गया था? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, अगस्त क्रांति मैदान। क्रिस्टोफर हिपकिंस 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री बने? कहीं पर भी, जहाँ पर भी न्यूजीलैंड होगा ना उसको नॉक कर दीजिएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट? कहीं भी लखनऊ होगा तो लॉक कर दीजिएगा। क्या करो, लखनऊ का लॉक कर दो। दे रहे हो, बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है ना, IQ लेवल है ना फिर उनका, है हमसे आगे हैं वो, जबरदस्त मानना पड़ेगा। कैसे देखते हो हमें डेवलपमेंट की तरफ जाने में, इतना टाइम आगे जाने में कितना टाइम दरकार है? हमें अभी टाइम लगेगा, हमारे मुल्क में टैलेंट है लेकिन पैसा नहीं है, जब हमारे मुल्क में पैसा आ गया, हमारे मुल्क में एजेंसियाँ बन गई इस तरह की, नासा जैसे संस्थान हमारे भी इधर हो गए, तो हमारे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की कमी, अगर इन्वेस्टमेंट कर दी किसी ने तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, बस इन्वेस्टमेंट की कमी है, पैसा नहीं लगाते लोग। जबरदस्त हो गया। जैसे कि आपने नासा की बार बार बात कर रहे हो भाई, इस टाइम जो इसरो जो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है भाई, वो नासा से भी आगे जा चुकी है। मैं बताता हूँ क्यों, उनने ना जो चांद के साउथ पोल पर लैंड किया है, आज तक कोई मुल्क नहीं कर सका, दुनिया का पहला मुल्क बन गया जी। पानी, चांद के ऊपर पानी है, ये दरियाव भी इंडिया ने किया जी। बिल्कुल, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है हर लिहाज से। पता, हमारा जो स्पेस एजेंसी है वो इंडिया से पहले बनाई थी हमने जी, मैंने भी ये सुना था। तो आज तक वो, आज का कोई कारनामा सुना आपने? बस वो बंद हो गया ना, इन्वेस्टमेंट नहीं की, पैसा नहीं लगाया किसी ने। हमारे मुल्क में टैलेंट है, क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन पैसा नहीं है, जब पैसा लगेगा, पैसा हुकूमत इन्वेस्ट करेगी तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट बाहर आएगा।